यूपी के प्रयागराज में ज्योति मौर्य की तरह एक और कहानी सामने आई है। यहाँ रहने वाली बूढ़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है। बहू नौकरी लगने के बाद घर आने से मना कर रही है। पति का कहना है कि पत्नी को पढ़ाने के लिए खेत जमीन बेच दी, यहाँ तक कि घर का सारा काम भी किया, लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी साथ छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सफाई कर्मी आलोक मौर्य और उनकी पत्नी SDM ज्योति मौर्य के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दोनों के मुद्दे को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। वहीं अब इसी तरह के और भी केस सामने आने लगे हैं। पत्नियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर गांव शहर तक कई तरह की बातें हो रही हैं। यह मामला प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर मेजा के जरार गांव का है। यहाँ के रहने वाले रविन्द्र कुमार प्राइवेट काम करते हैं। इनकी पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। रविन्द्र कुमार का कहना है कि ये जमीन बेचकर हमने पत्नी को पढ़ाया। जब रेशमा की सरकारी नौकरी यानी यूपी पुलिस में भर्ती हो गई तो हमसे दूरी बनाने लगी। पत्नी के इस व्यवहार से रविन्द्र परेशान हो गया। प्रयागराज के मेजा में रहने वाले रविन्द्र कुमार की शादी साल 2017 में हुई थी। शादी के एक साल तक पत्नी और पति के बीच बहुत प्यार था। रविन्द्र प्रदेश से बाहर प्राइवेट जॉब कर रहे थे। वही रविन्द्र की पत्नी घर पर रहकर पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रविन्द्र और रेशमा के रिश्ते में दरार तब आ गई जब एक साल बाद रेशमा का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया। रविन्द्र के मुताबिक उनकी पत्नी रेशमा का यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर सिलेक्शन हो गया। रेशमा की पढ़ाई के लिए हर जरूरत को पूरा किया गया, किसी प्रकार की कोई बाधा न आए इसके लिए अपनी जमीन तक बेच दी। रविन्द्र का कहना है कि पत्नी को ग्रेजुएशन कराया, उसके लिए हमने मेहनत कर फीस भरी। पत्नी का जैसे ही सिलेक्शन हुआ वैसे ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। रविन्द्र का कहना है कि पत्नी का सिलेक्शन होने के बाद मैं बहुत सेवा करता रहा। रविन्द्र पर उनकी पत्नी ने कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को रविन्द्र ने गलत बताते हुए कहा कि मैं न्याय चाहता हूँ, मेरी पत्नी अगर मेरे पास वापस आ जाएगी तो मैं सब कुछ भूल कर उसे फिर से अपने पास रख लूंगा। वही रविन्द्र की माँ रजवंती देवी बात करते करते रो पड़ती हैं। कहती हैं कि उसे हमने अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रखा था, सोचा था कि हमारा सहारा बनेगी, लेकिन उसने ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते।